मिलिए संदीप जी और प्रदीप जी से। संदीप जी की मूछ का ताव निराला है, वहीं प्रदीप जी का अंदाज बस देखने वाला है। खुशहाली इनके घरों के कोने कोने में बसती है। समृद्धि और प्रसन्नता से जीना कोई इन दोनों से सीखे। एक दूसरे के लिए अपनी दोस्ती निभाने का इनका तरीका भी सुहाना है। नई तकनीक से अपनी खेती को दोनों ने कुशलता से संभाला है। दोनों की शान की सवारी जब निकलती है तो भीड़ उमड़ पड़ती है। अपनी मेहनत और सूझबूझ से दोनों हर बार कीर्तिमान नए रचते हैं। तरक्की के नाम पर बस इन दोनों के ही चर्चे हैं। पर ये क्या, प्रदीप जी आज कुछ उदास लग रहे हैं। हर साल ये कीट मेरी फसल पर शुरुआत से ही नुकसान पहुंचाने लगते हैं, मेरी सारी मेहनत बेकार कर देते हैं। अरे क्या हुआ भाई साहब, बड़े परेशान लग रहे हो आप। अरे देखिए ना संदीप जी, इतनी बढ़िया फसल चल रही थी पर अचानक कसुए ने हमला कर दिया। अब तो फसल में कल्ले भी नहीं बन पाएंगे। इतना ही नहीं भाई, जहाँ जहाँ हमला हुआ है वो जगह खेत में खाली रह जाएगी। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा, भारी नुकसान होने वाला है। तो क्या इसकी रोकथाम के लिए आपने कोई कीटनाशक नहीं डाला था? डाला था, गन्ने की बुआई के 30 से 40 दिनों के बीच डाला था। पिछले साल भी यही समस्या रही। और इसके अलावा जून के महीने में चोटी भेदक से सुरक्षा के लिए भी मैंने कीटनाशक का इस्तेमाल किया, पर कभी भी इन कीटों पर संतोषजनक नियंत्रण नहीं मिला। तुम तो ऐसे बोल रहे हो जैसे इन दिनों कीटों ने कभी तुम्हारे फसल में हमला ही नहीं किया। करते थे, अब ये बीते दिनों की बात हो गई है। देखो भाई, समय के साथ साथ मैंने नवीनतम तकनीक से बने कुछ उच्च कोटि के उत्पाद अपनाए, जिससे पैदावार भी बहुत बढ़िया है और फसल भी कीटों से पूरी तरह सुरक्षित है। अच्छा, तो जरा विस्तार से तो बताओ। प्रदीप जी, कीटनाशक के बारे में जानने से पहले ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम कीटों के बारे में विस्तार से जानें। जी हाँ, ये तो आपने बिल्कुल सही कहा। कंसुआ गन्ने की रोपाई के 30 से 45 दिनों के अंदर ही नए कल्लों में घुसकर उन्हें मार देता है। इससे मृत तने बन जाते हैं, जिससे गन्ने का फुटाव रुक जाता है। इस वजह से एक ही खेत में विभिन्न आयु के गन्ने दिखने लगते हैं और खेत कई जगह से खाली रह जाते हैं, जिससे पैदावार में गिरावट आ जाती है। और गन्ने का दूसरा सबसे खतरनाक कीट जो आगामी चरणों में नुकसान पहुंचाता है वो है चोटी भेदक। ये गन्ने के ऊपरी छोर से घुसकर नए पत्तों के समूह में प्रवेश कर जाता है, जिससे कि गन्ने का विकास रुक जाता है। खुलने पर पत्तों पर गोली नुमा छेदों जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसी जगह से झाड़ी नुमा कल्ले बन जाते हैं। इन कीटों के कारण गन्ने की मिल ले जाने योग्य पैदावार पर भारी असर पड़ता है। तो इन दोनों कीटों के नियंत्रण के लिए आप कौन सा कीटनाशक इस्तेमाल करते हैं? नवीनतम तकनीक से बना PI इंडस्ट्रीज का कॉस्को। मैंने इसका उपयोग अपनी फसल में किया है, आप नतीजा खुद देख सकते हो। अच्छा, तो ये है राज आपकी दमदार फसल का। PI इंडस्ट्रीज का कॉस्को एक दानेदार उत्पाद है जो खेत में डालने के बाद मिट्टी में धीरे धीरे सक्रिय तत्व छोड़ता है। ये गन्ने की जड़ों द्वारा अवशोषित हो जाता है, पूरे गन्ने में बहुत तेजी से फैल जाता है और देता है लंबी अवधि तक नियंत्रण। कॉस्को के इस्तेमाल से कीट फसल को नुकसान पहुंचाना तुरंत बंद कर देते हैं और 2 से 3 दिनों में मर भी जाते हैं। कॉस्को कंसुए द्वारा नुकसान पर बेहतरीन रोकथाम देता है, जिससे मृत तने नहीं बनते और फसल का एक समान विकास होता है। फसल के दूसरे चरण में यानी कि मई जून के महीने में इस्तेमाल करने पर कॉस्को चोटी भेदक से होने वाले नुकसान से संपूर्ण सुरक्षा देता है और झाड़ी नुमा कल्ले बनने से रोकता है। नतीजतन गन्ने की फसल का संपूर्ण विकास होता है और मिल ले जाने योग्य फसल की पैदावार में बढ़ोतरी होती है। अरे वाह, PI का कॉस्को, इसको तो मैंने भी इस्तेमाल किया था अपने गन्ने की फसल में और यकीन मानो इसने पूरी तरह से कीट नियंत्रण दिया और इस बार पैदावार भी दमदार हुई है। हाँ समझ गया, अब तो मेरी मेहनत भी रंग लाएगी। अच्छा तो बाप ही बता दो कि कॉस्को का कब और कैसे इस्तेमाल करना है। कॉस्को का लाभ उठाने के लिए 7.5 किलो प्रति एकड़ की दर से खाद में मिलाकर गन्ने की जड़ों के आसपास अच्छी तरह से छिड़काव करना चाहिए। एक और जरूरी बात, कॉस्को डालने के बाद 24 घंटे के अंदर फसल की सिंचाई कराना बहुत जरूरी है ताकि कॉस्को का सक्रिय तत्व जड़ों तक अच्छी तरह पहुँच जाए। कंसुआ और चोटी भेदक की पहली 2 पीढ़ियों की रोकथाम के लिए कॉस्को का इस्तेमाल बुआई के 30 से 45 दिनों के बीच में करना चाहिए और चोटी भेदक के जून और जुलाई के महीने में होने वाले हमले से बचाव के लिए गन्ने की बुआई के 60 से 120 दिनों के बीच में कॉस्को का इस्तेमाल करें। ये जरूर ध्यान रहे कि उचित अंतराल में फसल की सिंचाई जरूर करते रहे। नो मनी गोल्ड, ओशन रॉकेट और बायोविटा जैसे उत्तम और असरदार प्रोडक्ट्स की श्रृंखला में PI इंडस्ट्रीज अब हमारे लिए लेकर आया है कॉस्को। मैंने और मेरे साथियों ने अपनाया है,
पीआई इंडस्ट्रीज के कॉस्को को। आप भी आज से कॉस्को का उपयोग करना शुरू करें और अपने गन्ने की फसल की उपज और आमदनी को बढ़ाएं। पीआई इंडस्ट्रीज का कॉस्को पूरे भारत में किसानों की जिंदगी में खुशहाली लाने के अपने पथ पर अग्रसर है। कॉस्को है एक हरे तिकोन वाला उत्पाद जो मित्र कीट, पक्षियों और पर्यावरण के लिए हानिकारक नहीं है। पीआई इंडस्ट्रीज का कॉस्को, कॉस्को से मिले सुरक्षित आधार गन्ना दमदार।